Check, check, check. Okay, everybody. Hello. Welcome back to the channel. Yes, we are back with another reaction video. This is going to be reaction on Sider Sam. Sider Sam को हम लोग पहले भी live पे सुन चुके हैं, ठीक है? जो हम live music video, जो हम live music सुनते हैं उसमें, but कभी ऐसे dedicated video नहीं डाला मैंने. Sider Sam को जो भी सुना है, भाई, he is a really nice rapper. मैंने literally जो मैंने पहले 2-3 songs सुने थे, भाई, मजा ही आ गई थी. लेकिन later on, there were some disses, जो कि मैंने सुने Kalam Inc के against थे, ठीक है? जो कि मुझे समझ नहीं आया reason क्यों था, ठीक है? Later on, मुझे समझ में आया इनका कुछ आपस में चल रहा है, लेकिन स्टिल मेरे को लगा नहीं वो डिस वर नीडेड. बट अपना अपना भाई नजरिया, साइदर सैम को ऑब्वियसली कुछ रीजन होगा डिस करने का, बट मेरे को फील नहीं आया. लेकिन अभी मेरे को लग रहा है शायद से कुछ बातें जो हैं वो प्रीचर या पिछले ईपी में बोली गई हैं, शायद से मुझे लगता है कि साइदर ने रिप्लाई करी होगी एंड वो करी उसने, ठीक है? गाना आ चुका ऑलरेडी, ये रिप्लाई टू प्रीचर. तो लेट्स लिसन टू दिस विदाउट एनी फर्दर अडू. गाने का नाम है नी चिंक, ठीक है? तो आ जाओ फिर सुनते हैं. इट्स ए टीजर. टीजर क्यों कह रहे हैं, ठीक है? देखते हैं भाई. ओके बॉय, लेट्स लिसन टू दिस. आ जाओ. सदर सैम ऑन द माइक. शेख, इस बार हार्डकोर नहीं, तेरी फील में तुझे बताऊंगा. और जो तेरे को पाप मानते हैं, तेरी घटिया सोच से उनको रूठ करवाऊंगा. भाई, तू इतना गिर सकता है ये मैंने सोचा नहीं था. तेरे बाप सदर सैम. चल ठीक है. ओके. तो अच्छा, मैंने भी डिस सुने हैं पुराने वाले, रिएक्ट चाहे नहीं किया हूँ मैंने. तो दोज वर प्रीटी हार्डकोर. तो सैदर पहले ही बोल रहा है कि अब तेरे ही टोन में समझाऊंगा, जिसमें जैसे आई थिंक वो जो लोफी जोन है के इंक का, आई थिंक उसको ही पकड़ के. नहीं तो तेरे बाप सैदर सैम. चल ठीक है, तू यही चाहता है तो. याओ, नहीं बची शर्म तुझ में, वो तो तूने बेच खाई. भाई भी शर्म खाएगा कि मेरा कैसा भाई. जो सीना चौड़ा था वो झुक जाएगा, उसका भी जब वो जानेगा करना. उसने इज्जत नहीं सिखाई छोटे भाई को. आई नो तू हजम नहीं कर पाया है सच्चाई को. कि तू जो जीरा तेरे भाई की कमाई वो. मैं 10 बार बोलूंगा चाहे मैं 10 बार बोलूंगा चाहे बातें दबा ही दो. के ठीक है, जो कलम ने वहाँ पे बोला था कि भाई इन लोगों को लगता है अपने भाई की वजह से चल रहा हो, तो अपने अपने बाप से बोल के अपने एक और भाई पैदा करे. तो वही वो कह रहा है, भाई तुम अभी भी अपने भाई की वजह से चल रहे हो, और या जो भी तुम अभी तक सक्सेस पाए हो, तो मैं तो 10 बार बोलूँगा. ये वो कह रहा है, ठीक है? मैं अभी भी शायद नहीं मानता हूँ ये चीज. तेरे भाई की कमाई वो. मैं 10 बार बोलूंगा चाहे बातें दबा ही दो. ये सच बात सारी जो जाने सभी गवाही दो. तेरी माँ को गाली नहीं दूंगा, वो मेरी माँ जैसी है. बस इतना ही कहूंगा, परवरिश में ही कमी है. वरना तू बोलता नहीं दूसरों के घर पे. तेरे भाई ने बोझ सर पे तुझको कभी दिया नहीं है. तू बोला दोस्त. ओके भाई, तेरी माँ को गाली नहीं दूंगा. पिछले गाने में तुम्हें याद है भाई कि कलम इंक, मैंने भी बहुत चीज़ पॉइंट आउट की थी कि मुझे वो लाइन अच्छी नहीं लगी जिसमें उसने बोला कि तुम तो माँ के पैर छूऊंगा, फिर उसके बाद अगर तुम दुश्मन हो तो बाकी तुम अगर मेरा अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारी माँ जो भी है, ठीक है? तो वही वो कह रहा है भाई कि तुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता, क्योंकि तेरे भाई ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर रखी है. दैट्स वाई यू डोंट नो फैमिली शिट. बोझ सर पे तुझको कभी दिया नहीं है. तू बोला दोस्ती में जाके माँ के पैर छुएगा, फिर बोला दोस्ती खराब तो उसकी माँ को दूंगा. माँ तो सबकी माँ होती है, सोच को सुधार. छोटे बड़ा तू नहीं हुआ शायद, क्या ही तुझको दोष दूंगा. प्यार करके किसी को जलील करना प्यार नहीं. हार करके हेट देना लड़कियों को प्यार नहीं. नंगी ढूंढे बैठ पे उसको तू ये कोई प्यार नहीं. गाली दे के फैमिली को खुश रह कहना प्यार नहीं. बंद कर दे करना गुमराह छोटे बच्चे. प्यार करके किसी को जलील करना प्यार नहीं. हार करके हेट देना लड़कियों को प्यार नहीं. प्यार करके जलील करना कहते उसको प्यार नहीं. नंगी ढूंढे बेड पे उसको तू ये कोई प्यार नहीं. गाली दे के फैमिली को खुश रह कहना प्यार नहीं. बंद कर दे करना गुमराह छोटे बच्चों को. नशा तू सिखा रहा बड़ा भाई सट्टा बहुत को. सुन के गाना तेरा मुझको घिना रही है बहुत ब्रो. सोच तेरी नीच वाली तू है तेरी सोच को. सुना तेरे. ओके, बड़ा भाई क्या कर रहा है? बड़ा भाई सट्टा बहुत को. ओके, आई थिंक ये यहाँ पे वही जो क्या मुझे नहीं पता UK 7 अगर वो कर रहा है, क्योंकि मैं फॉलो तो नहीं करता हूँ UK को. लेकिन यस, अगर वो कर रहा है तो वो वही चीज़ आई थिंक पॉइंट आउट कर रहा है कि UK से बड़ा भाई तुम्हारा प्रमोशंस कर रहा है तुम्हारे गैम्बलिंग ऐप्स की, और छोटा भाई यहाँ पे नशेदारों प्रमोट कर रहा है, ठीक है? तो भाई ये सब तो टाइटल है, टाइटल में नी चिंक बोला गया. तो पहले उसने वही बोला कि मैं तुम्हारी माँ को गाली नहीं दूंगा, लेकिन तुम अपने बोल रहे हो कि माँ को पैर छूओगे, फिर ये कर दोगे वो कर दोगे. तो भाई बेसिकली जो टाइटल उसको कंटिन्यूअसली उसी तरीके की बात हो रही है कि नीच क्यों है कलम इंक, वो बताना चाह रहा है वो. अभी तक तो भाई मेरे को
कुछ खराब नहीं लग रहा है, टाइटल भी ठीक जा रहा है, बातें भी वो पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा है। प्यार नहीं, गाली दे के फैमिली को खुश रह कहना प्यार नहीं, बंद कर दे करना गुमराह छोटे बच्चों को, नशा तू सिखा रहा बड़ा भाई सट्टा बहुत को, सुन के गाना तेरा मुझको घिना रही है बहुत ब्रो, सोच तेरी नीच वाली तू है तेरी सोच को, सुना तेरे भाई ने पैसे खाए हैं दूसरों के, तो ऐसा भाई नहीं चाहिए किसी भी जिंदगी में, दिखावा कर। उसने बोला था ना कि भाई की अपने बाप से बोल कि एक नया भाई बना दे, तो वो कह रहा भाई ऐसा भाई नहीं चाहिए जिसने दूसरों के पैसे खाए हो। अब ये ऑब्वियसली दिस इज एलिगेशन आई गेस, मतलब मेरे को नहीं पता, यानी फॉलो करता मैं यूके को। दूसरों के तो ऐसा भाई नहीं चाहिए किसी भी जिंदगी में, दिखावा कर रहे दोनों भाई खाली सिंपैथी को, असल में नीच सोच हर कोई यहाँ पे अंधा नहीं है, है मेरा भाई बड़ा पर वो नहीं जताते, वो किसका हक नहीं खाते तेरे भाई की तरह बे, अच्छा दिखाने को नहीं झूठी बातें फैलाते, किसी की मदद करके वीडियो नहीं बनाते, भाई तेरा कर रहा सट्टा प्रोमो तुझको क्या ही नीड होगी, इमेज बचाने को ये छोटा कह रहा मत खेलो जी, ना जाने कितने बच्चे बर्बाद हो रहे या पाक हो रहे, ये करेंगे फील थोड़ी, भाई को समझा पहले। ठीक है, ये इमेज बचाने के लिए वो प्रमोट कर रहा है और ये बोल रहा मत खेलो, समझ रहे हो, बेसिकली इसी तरीके से सिंपैथी गेन करी जा रही, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। इमेज बचाने को ये छोटा कह रहा मत खेलो जी, ना जाने कितने बच्चे बर्बाद हो रहे या पाक हो रहे, ये करेंगे फील थोड़ी, भाई को समझा पहले वरना वो दिन दूर नहीं है जब खत्म ये भीड़ होगी, भाई किसी को ज्ञान देने से पहले अपने घर में जाके देखो क्या चल रहा है, तब दूसरों को ज्ञान देना, अपनी माँ की इज्जत करता है और दूसरों की माँ को गाली बकरा है, तेरी ये फेक इमेज अब सबको दिख रही है, सबकी रिस्पेक्ट करना सीख, पैसा आने के बाद इतना कमेंट सही नहीं भाई, बाकी बेस्ट ऑफ लक, ऊपर वाला देख रहा है, लेट्स गो। ओके दिस ऑलरेडी सेड इट्स अ टीजर, और गाना भी बहुत छोटा रह गया है, यहाँ पे बहुत कोई लंबा चीज नहीं रखा है, दो तीन पॉइंट्स है, जो माँ वाली बात थी, भाई वाली बात थी, फिर नशे दारू वाली बात थी, बेसिकली ये तीनों चीज़ जो है वो बताती है कि बताना चाह रही है कि भाई हाउ डिस्टेस्टफुल यू आर, तुम क्या गलत कर रहे हो, ठीक है कलमिंग, तो वो ये कहना चाह रहा है अपने इस गाने में। और दो मिनट के आसपास का अगर देखा जाए तो लिखाई है पूरी, 20 सेकंड म्यूजिक मान लेते हैं तो दो मिनट के आसपास की लिखाई है, एंड इट्स सेट कि इट्स अ टीजर, गाना भी इसी तरह एंड हुआ है कि अभी फील दे रहा है कि मे भी आगे कुछ और आ सकता है, जो बातें बोली है वर पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट क्रिस्प, मतलब शायद सैम को देखा है मैंने, ही कैन ऑल्सो बी ब्रूटल बट इन एनी डेज वेन एवर यू मेंटेन सर्टेन मॉरली हायर प्लेटफॉर्म, जिसमें तुम दूसरों को गाली नहीं देते हो, गाली चलो दे भी रहे हो तुम उनके परिवार पे नहीं जाते हो, और जो समझ रहे लड़की परिवार उन पर जाने वाली चीज़ होती है थोड़ी सी, तो मतलब लगती है छोटी चीज़ है ना, तो लेकिन अगर तुम नहीं जाते हो उस पर एंड सामने वाला जा रहा है तो अल्टीमेटली पब्लिक ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए एक प्लस में रहती है कि भाई दिस गाय एटलीस्ट इज नॉट गिविंग एनी अब्यूजेस टू द अदर पर्सन फैमिली और गर्लफ्रेंड और एनीवन। आई डोंट नो इससे पहले साइदर ने क्या क्या बोला हुआ है, उसमें गाली दिए कि नहीं दिए, बट मेरे लिए ये फर्स्ट सॉन्ग है इसमें साइदर ने मॉरली हाई ग्राउंड बना के रखा है, आई वुड अप्रिशिएट दैट, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो भाई, तुम बताना तुम्हें क्या लगता है, बाकी नई वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है, स्टे सेफ, बाय बाय, पीस आउट।